अगर आपको हर चीज 5 से 11 रियाल के अंदर मिले तो आप भी कहेंगे वाओ। आज हम गए थे अल वसाम वर्ल्ड, जहाँ पे हर चीज 5 to 11 रियाल्स के अंदर आपको मिल जाती है बहुत आसानी से। When we went inside the mall, it was a huge and gigantic space. Ground floor पर घर की complete grocery से लेकर crockery and other edible stuff. Ground floor पर right side पर there was a huge range of cosmetics. और यहाँ पर cosmetics पे उन्होंने moisturizers and shampoos और बहुत सारी fragrances को arrange किया हुआ था. There were huge shelves and hundreds of fragrances to choose from. ग्राउंड फ्लोर पर घूमने से पहले वी डिसाइडेड कि पहले हम फर्स्ट फ्लोर पर एक चक्कर लगाते हैं एंड लेट्स सी कि वहाँ पर क्या क्या है। ये मॉल सच में बहुत ह्यूज था और जहाँ दूर दूर तक नज़र जा रही थी इट वाज ऑल लोडेड विद स्टफ। यहाँ घूमने के लिए एटलीस्ट आपको 2 से 3 दिन लगेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत सारा स्टफ़ है यहाँ पे। आप 1-2 दिन में तो यहाँ पे शॉपिंग कर ही नहीं सकते। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अननेसेसरी चीज़ें ही पड़ी हुई हैं, यहाँ पर सब स्टफ डेली एसेंशियल्स वाला है। जब हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचे तो वहाँ पर सबसे पहले तो टॉयज़ वाला सेक्शन था और द स्टॉक वॉज अनबिलीवेबल। बच्चों को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके हम दूसरे सेक्शन में पहुँचे। मीलों दूर तक स्टफ लोडेड था हर जगह पर, समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पर पहले जाए। सामने ही डिस्प्ले पर वेस्ट्स एंड कैमिसोल्स पड़े हुए थे। एवरी साइज वाज अवेलेबल, मेल्स एंड फीमेल्स के स्टॉक अवेलेबल थे। ट्रैक पैंट्स, शर्ट्स, व्हाट नॉट। बच्चों के लिए मुझे कुछ कपड़े लेने थे तो मैं क्लोथिंग सेक्शन में चली गई। वहाँ पर भी इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। द गुड थिंग वॉज एवरी सिंगल पीस हैड टैग्स ऑन इट। The good thing was कि हर तरह का स्टफ अवेलेबल था, समर, मिड समर टू विंटर्स। एंड ट्रस्ट मी, फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मोस्ट अमेजिंग थिंग वॉज कि हर साइज और हर स्टाइल के कपड़े थे वहाँ पर। क्लोथिंग सेक्शन की लेफ्ट साइड पर शूज़ कॉर्नर था और इस कॉर्नर में हर साइज, हर शेप और हर स्टाइल के जूते पड़े हुए थे। क्वालिटी सच में अमेजिंग थी। मैंने बच्चों के लिए घर में पहनने के लिए क्यूट से कुछ सॉफ्टीज सिलेक्ट की। बहुत ही लाइट वेट और सॉफ्ट पम्प्स और स्निकर्स भी अवेलेबल थी। मैंने अपने लिए कुछ शूज लिए, बहुत ही कंफर्टेबल थे, शाइनी, ग्लिटरी, दे वर वेरी क्यूट। अनस्टिच फैब्रिक भी अवेलेबल था वहां पर। थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पर कॉस्मेटिक सेक्शन था। इट वॉज ह्यूज इटसेल्फ और बहुत वैरायटी अवेलेबल थी वहाँ पर। ब्रांडेड और हाई एंड कॉस्मेटिक्स तो नहीं लगे हुए थे, बट जो यहाँ पर अवेलेबल थे उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ट्रस्ट मी, यू कैन ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। मैंने भी काफ़ी सारे कॉस्मेटिक्स यहाँ से लिए हैं और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कॉस्मेटिक सेक्शन के लेफ्ट साइड पर हैंड बैग्स, पर्सेस एंड क्लचेस लगे हुए थे। काफ़ी क्यूट कॉर्नर था ये। हैंड बैग्स के बिल्कुल साथ ही देयर वाज अ ह्यूज वॉल ऑफ हेयर एक्सेसरीज फ्रॉम बेबी गर्ल्स टू एडल्ट वुमेन। All sort of hair accessory was available. इस फ्लोर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन था, जिसमें स्टेशनरी, स्कूल सप्लाइज एंड एवरी सॉर्ट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट सप्लाई अवेलेबल थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ छोटे बच्चों की स्टेशनरी और आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्टफ नहीं था, बड़ों के लिए भी स्टफ अवेलेबल था। कि स्टेशनरी और क्राफ्ट सप्लाई का सेक्शन भी बहुत ह्यूज था। मैं हर चीज़ को कवर नहीं कर सकी, पर आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं वीडियो में शो कर सकूं कि किस टाइप का स्टफ़ अवेलेबल है। एंड बिलीव मी, क्वालिटी बहुत अमेजिंग थी। एवरी थिंग इज़ सील्ड पैक एंड मैनी ऑफ द थिंग्स आर ब्रांडेड। फर्स्ट फ्लोर से 2 ट्रॉलीज फिलअप करके फिर हम ग्राउंड फ्लोर पर आए। बच्चे चॉकलेट्स खा रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। हम थक चुके थे फर्स्ट फ्लोर पर ही। बिलीव मी, अभी फर्स्ट फ्लोर भी हमने पूरा नहीं देखा था क्योंकि वो इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा स्टफ़ है। किसी और दिन के लिए अब उसको प्लान किया था, तो हमने सोचा कि अब हम ग्राउंड फ्लोर पर आ जाए और अपनी ग्रॉसरी की चीज़ों को ले लिया जाए। ग्रॉसरी में सबसे पहले तो चॉकलेट वाला सेक्शन आ गया, जो कि बच्चों का और बच्चों की मामा का, आई मीन मेरा मोस्ट फेवरेट है। बच्चों के टी टाइम स्नैक्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ से कुछ क्रॉसन्स, मफिन्स और कपकेक्स लिए। दैन चिप्स के कॉर्नर में गए, वहाँ पर कुछ बच्चों की फेवरेट चिप्स एंड स्नैक्स पिकअप किए। ग्रॉसरी का जो भी प्रोडक्ट आप सोच सकते हैं ना, वो यहाँ पर अवेलेबल था। ग्रॉसरी की लेफ़्ट साइड पर क्रॉकरी सेक्शन था, ये भी बहुत ही ह्यूज था। हर जगह मैं नहीं घूम सकी। यहाँ से कुछ कप्स एंड ग्लासेस को पिकअप किया। एंड बिलीव मी, द क्वालिटी वाज अगेन वर्थ इट। हमें इस मॉल में 3 घंटे लगे, बट फिर भी इस पूरे मॉल को हम नहीं घूम सके और सब चीज़ों को नहीं देख सके। थोड़ी सी शॉपिंग हमने की। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जितना ज़्यादा मैं कवर कर सकूं आप लोगों को दिखाने के लिए, उतना मैंने किया। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो और मेरा विजिट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय बाय।